हरे कृष्णा, मैं कृष्णवंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी आने वाली है और इसकी तैयारी लगभग सभी घरों में स्टार्ट हो गई है। 22 दिन रह गए हैं, अब यहाँ पर हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में एक चम्मच हम घी डालेंगे और अपने आधा कप काजू फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आप लो मीडियम ही रखें और लगभग 2 मिनट में ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप फ्राई करके बनाएंगे तो ये वाली जो हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ पर काजू फ्राई हो गए हैं, अब हम निकाल रहे हैं। आप चाहें तो घी को स्किप कर सकते हैं, आप खाली कढ़ाई में भी इसको भून सकते हैं, लेकिन काजू को हल्का सा घी में भूनने से मिठाई में अच्छा टेस्ट आता है। अब ऑयल नहीं लेना है, घी नहीं लेना है और इसमें हमें लगभग 2 कप हमने इसमें मखाने लिए हैं और मखानों को अब हम इसी कढ़ाई में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। कढ़ाई में चिकनाई पहले घी की है क्योंकि हमने घी अभी काजू को फ्राई किया है, इसलिए हमने इसमें घी नहीं लिया है। अब इसको हमें लगातार 3 से 4 मिनट चलाना है और हमारा ये मखाना भुंज जाएगा। और इसका पता कैसे चलेगा, आपको एक मखाना लेना है और उसको आपको फोड़ के देखना है। तो देखिए ये आसानी से हो रहा है, तो हमारा ये मखाना भुंज गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी कढ़ाई में बिल्कुल लो फ्लेम करके हम अपना नारियल भी हल्का सा भुनेंगे। उससे क्या होगा, उसका टेस्ट भी 4 गुना और बढ़ जाता है। और नारियल भूनते टाइम आप गैस का फ्लेम लो रखें। यहाँ मेरा गैस का फ्लेम गलती से थोड़ा सा हाई हो गया था और देखिए इसका रंग हल्का सा चेंज हुआ है। हालांकि जो बर्फ़ी बनी थी वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया है। यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच दूध डाला है और अब इसमें मैं फुल फैट का 1/2 kg दूध ले रही हूँ। और ये जो दूध है ये भैंस का ही है, तो आपके पास गाय का दूध हो तो आप उसमें मलाई ऐड कर दें। और इसको अब हम लगातार चलाएंगे और जब तक हमारा ये दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता, इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, लगभग इसको हमें 5 से 10 मिनट ही चलाना है, उसमें ही हो जाएगा ये। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अपना मलाई भी ऐड करना है। तो मलाई मैंने अभी इसमें 3 से 4 मिनट बाद ही ऐड कर दिया है, 1/2 कप। और इसको अब हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाना है। इसी बीच आप गैस का फ्लेम कम कर दें और एक मिक्सी के जार में आप मखाने लें और इसी जार में आप अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। तो यहाँ हम काजू भी ऐड कर रहे हैं और इसका बिल्कुल एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा हमें खड़े नहीं रखने हैं क्योंकि हम जब पीस काटते हैं तो काटने में हमें बहुत दिक्कत आती है। और देखिए यहाँ हमारा ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। और ये वाली जो प्रिपरेशन है वो आप पहले भी करके रख सकते हैं, एक दिन पहले आप तैयारी करके रख लें, इससे बहुत ही आपको आसानी होगी और बर्फ़ी बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसमें लगभग 6 से 7 मिनट ही लगता है। और देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छा पाउडर तैयार हो गया है मखाने का और काजू का। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी प्लेट में हम अपने सारे जो भी हमें ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स उनको डाल देंगे। तो यहाँ नारियल का बूरा ऐड करेंगे और इसी में आप इसको अच्छी तरीके से एक बार हाथ से मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें 4 से 5 इलायची का पाउडर डालें। और आप इसको एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं, इसको आप बाद में भी यूज़ में ले सकते हैं, आप दूसरे दिन इसको यूज़ में लें। और यहाँ पर मैंने 1 कप ही चीनी लिया है, तो मात्रा आपको पता चल गई है कि 2 कप हमें मखाने लेने हैं, 1/2 कप हमें काजू और 1/2 ही कप हमने नारियल का बूरा डेसिनेट कोकोनट लिया है, 1/2 kg दूध लिया है। और इसको अब हमें लगातार चलाना है। अब इसमें हमें जब
क्या करना है कि एक बाउल लेना है जिसमें मतलब हमें अपना बर्फ़ी जमाना है, तो थोड़ा सा वो डीप हो, ऐसा ना हो ऊपर। तो ये मेरे पास में एक केक टिन ही है, उसके नीचे भी मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, फिर ऊपर पेपर लिया है, और उसके बाद में आप वापस घी इसके ऊपर लगा दें। इससे आपकी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी, चिपकेगी भी नहीं वो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब बारिशों का सीज़न है, इसमें मॉइस्चर होता है, तो हल्का सा कभी चिपचिपापन आ जाता है, और आपको लगे कि चिपचिपापन आ रहा है तो आप उसमें डेसिनेट कोकोनट नीचे डाल दें। यहाँ पर मैंने चीनी डाली है 1 कप, और इसको हमें चीनी घुलने तक अच्छी तरीके से चलाना है, और जैसे ही हमारी चीनी घुल जाए उसके बाद हमें अपना पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने मखाने, काजू और इलायची और डेसिनेट कोकोनट का जो पाउडर तैयार किया था वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम आप लो मीडियम रखें, आप तेज़ रखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या है चिपकने लग जाता है, और इसको जलने की संभावना रहती है। बस इसे हमें लगातार चलाना है, और ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको घर में मेहमान भी आए तब भी आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कभी कभी खाने का मन करता है मीठा, तो आप इसको एकादशी में बनाएं, या आपका जब भी मन हो आप इसको बनाएं। और देखिए ये इस तरीके से गाढ़ी होने लग जाएगी लगातार चलाते चलाते, और आपको इसको हाथ में लेना है और देखिए इस तरीके से देखना है, तो हाथ में ये चिपचिपा नहीं लग रहा है और इसका आराम से गोली बन रहा है। तो इसकी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब इसको हमें अपने प्लेट में लेना है और इसको बिल्कुल बर्फ़ी वाली शेप में हमें करना है। यदि आपकी ये गोली नहीं बने तो आप इसमें थोड़ा सा डेसिनेट कोकोनट मिला दें, उससे क्या होगा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी रह गया होगा। और इसको अच्छी तरीके से इस चम्मच की सहायता से हमें प्लेन करना है, और देखिए ना हमने इसमें मावे का यूज़ किया है और ना घी का, और कितनी ही कम सामग्री से ये हेल्दी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम अपना ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मन पसंदीदा लगा सकते हैं। पिस्ते को मैंने चॉप कर लिया है, और जो बादाम है उसको भी मैंने पहले एक साथ ही चॉप करके रख लिया है। इससे क्या होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स आप एक साथ चॉप करके और हल्का सा कढ़ाई में उनको भून के रख लेंगे, तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। इससे बहुत ही जल्दी आसानी से हमारी मिठाइयों के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, और इससे टाइम भी बचता है। और अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पिस्ते डाल रहे हैं। तो यहाँ पिस्ते मैंने काट लिए हैं, एक पिस्ते में से लगभग मैंने 4 टुकड़े करे हैं, और बादाम इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, हमें 1 चम्मच से इनको दबा देना है, जिससे क्या है ये आसानी से इसमें चिपक जाए, और इसको लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएगा, और आप इसको 5 से 6 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रखें, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, और बारिश के मौसम में क्या होता है फूड पॉइजनिंग का डर रहता है, इसलिए हमेशा याद रखें कि दूध से बनी हुई चीज़ों को आप फ्रिज में ही स्टोर करें। और यहाँ पर हमारी अब ये बर्फ़ी बनके तैयार हो गई हैं, तो अब आती है इसको काटने की बारी। तो आप अपने मन पसंदीदा आकार में इसको काटें, मैं सिंपल जैसे बर्फ़ी होती है उसके हिसाब से ही इसको काटूंगी। और काटने के बाद आपको पता ही है कि इसको हमें सर्विंग प्लेट में रखना है, तुलसी दल रखना है, और अपने जगन्नाथ जी को ऑफ़र करना है। और जन्माष्टमी वाले दिन तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को, जगन्नाथ जी को, सभी को ऑफ़र करेंगे। कान्हा को अपने प्यारे प्यारे कृष्णा को, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और आपको पता ही है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इस तरीके से देखिए हमने अपनी बर्फ़ी काट ली है, अब इसको हम निकालेंगे, और देखिए कितनी आसानी से निकल रही है और चिपक भी नहीं रही है, बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार वाली मखाना बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। देखिए बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी ही बर्फ़ी के पीस को सर्विंग प्लेट में रखेंगे। बस आपको इसको बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि यदि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गीला है, तो आप इसमें डेसिनेट कोकोनट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें।
फलहारी हमारी साबूदाना की जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और इसको गार्निश करने के लिए आप ऊपर से चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये हमारी 8वें नंबर की रेसिपी है, मखाना बर्फ़ी, वो बनके तैयार हो गई है। और अब चलते हैं अपने 9वें नंबर की रेसिपी की तरफ हम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें 1.5 लीटर दूध लेना है। उसमें से हमें लगभग 0.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध हमें फाड़ना है। तो यहाँ मैंने 1 लीटर में से 1 ग्लास दूध निकाला है, इसको हम फाड़ेंगे। तो फाड़ने के लिए क्या करना है, आपको नींबू लेना है और यहाँ पर एक नीचे भगवानी और चलनी और उसको जो हम छेना बनाएंगे उसके लिए मैंने कपड़ा रख लिया है। यहाँ पर दूध अच्छी तरीके से एक बार बॉयल आ जाए, इसमें हमें एक नींबू का रस अप्लाई करना है छेना बनाने के लिए, क्योंकि व्रत वाले दिन हम विनेगर यूज़ में नहीं लेते हैं। और नींबू को आप डायरेक्ट अप्लाई ना करें, नींबू के जो रस है उसमें आप थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाएं और धीरे धीरे करके इसमें अप्लाई करेंगे। और छेना तो मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है और बहुत ही आसान है इसको बनाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये जो खीर है वो छेने वाली ही अच्छी लगती है, और ताज़ा बनाएं तो उसका तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि जन्माष्टमी वाले दिन आप ताज़ा बनाएं। तो यहाँ अभी मेरा बॉयल आ चुका है और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसको मैं धीरे धीरे करके फाड़ूंगी। तो इसको लगभग थोड़ा सा इसमें डालना है हमें नींबू और चलाना है। तो ये देखिए हल्का सा फट गया है। अब वापस हमें इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है और फिर चलाना है। तो आप एक साथ ना डालें, देखिए अभी ये मैंने पूरा नींबू डाल दिया है 2 बार में और ये हमारे यहाँ पर दूध फट के तैयार हो जाएगा। बस इसको एक मिनट छोड़ देना है। 1 मिनट छोड़ोगे तो छेना और पानी इस तरीके से अलग हो जाएगा। और इसको हमें एक कॉटन के कपड़े में अच्छी तरीके से छानना है और इसको धो भी लें, क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है तो नींबू की खटास ना रह जाए हमारी जो खीर हम बनाएंगे। और ये खीर बहुत ही यमी बनके तैयार होती है, आप इसको जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाएं। अधिकतर मंदिरों में ये बनाई जाती है और सुबह प्रसाद में दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना छेने को छान लेंगे और इसका जो पानी है वो अलग कर लेंगे और छेना अलग कर लेंगे। थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है इस स्टेज पे। अब इसमें आप पानी डालें और इसको अच्छी तरीके से धो लें। और धोने के बाद में आप क्या करना है, आपको ये जो पोटली बनानी है इसकी और एक्स्ट्रा पानी को आपको निकाल देना है। देखिए है ना कितना ईजी, बस थोड़ी सी तैयारी पहले हो जाए, बहुत ही आसान होता है छप्पन भोग बनाना। और इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने प्यारे प्यारे खाना के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा छेना अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो पूरा निकाल दिया है। और एक प्लेट में आप इसको ले लें। प्लेट में लेने का कारण ये है इसको कि इसमें देखिए अभी कहीं कहीं पे बीच बीच में मोटी मोटी गांठें नुमा रह जाती हैं। तो आप इस तरीके से हाथ से इसको अच्छी तरीके से कर दें, जिससे क्या है जो हमारी छेने की खीर है उसमें ये अच्छी तरीके से मिल जाए और इसका जो मोटा मोटा पीस ना आए एकदम से, पूरे अच्छी तरीके से जो होता है ना वो पेस्ट आए बीच बीच में हल्का हल्का सा, तो उससे बहुत ही क्रीमी और यमी खीर लगती है। और इसको हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा हाथों से कर दें और कुछ हम चम्मच से करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 kg दूध लिया है, इसमें अब मैं केसर ऐड कर रही हूँ। केसर भी मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आप केसर पहले ही ज़्यादा मात्रा में भिगा के रख लें, इससे आपको बार बार नहीं भिगाना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन बहुत सारी रेसिपी बनती है तो छप्पन भोग में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार भिगाने का झंझट भी नहीं रहेगा। और ड्राई फ्रूट्स और वो आप एक दिन पहले चॉप करके एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखें, वो भी बहुत आसान होता है। फिर उससे क्या होता है कि आपको फटाफट डिब्बे खोलने हैं और उसमें डालना है। तो आप थोड़ी पहले तैयारी कर लें, क्योंकि होता क्या है कि पहले तैयारी कर लो तो चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। अब यहाँ पर मेरा दूध लगभग 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से गाढ़ा होने लगा है, उसके बाद मैंने इसमें अपना छेना ऐड कर दिया है। अब छेने को हम अपनी चम्मच की सहायता से ही इसमें हल्का हल्का सा दबा देंगे, जिससे जो हमारी खीर है वो एक सी लगे, ऐसा ना लगे कि छेना अलग जा रहा है और दूध अलग जा रहा है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी छेने की मात्रा ज़्यादा हो गई है, दूध कम है, तो आप अपना दूध की मात्रा बढ़ा दें बाद में, ठंडा होने के बाद में अभी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं।
और ये जो छैने की खीर है वो बाकी खीरों से बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, बस थोड़ा सा छैने में टाइम लगता है। तो आप दोनों गैस पर रख सकते हैं, एक तरफ आप छैना बनाएं और एक तरफ आप दूध को पकने के लिए रख दें, और उसमें आप केसर डाल के 5 से 10 मिनट पकेगा, तब तक छैना बन जाएगा। और छैने को ठंडे पानी से धोने के बाद मैं उसको हाथों से मैश करके आप इसमें डालें, तो ये खीर भी आपके उस दिन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मात्रा है ये इतनी ही सफिशियंट है इसमें। अब इसको हमें लगातार चलाना है जब तक हमारी चीनी ना घुल जाए, और चीनी घुलने के बाद में क्या करना है इसमें आपको पता ही है, अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, इलायची ऐड करें और इसको ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसको भगवान को ऑफर करें। तो यहाँ पर मैं अपनी काजू डाले हैं मैंने इसमें, थोड़े से बादाम और पिस्ता, बाकी के हम ऊपर गार्निश करेंगे तब और ऐड करेंगे। और 4 से 5 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है वो ऐड करी है। बहुत ही आसान है, बस हमें क्या है कि थोड़ा सा पता चल जाए कि चीज़ें हमें कैसे बनानी हैं और कौन कौन सी, और कम से कम 10 से 20 रेसिपी तो ऐसी हैं कि उनमें टाइम ही नहीं लगता है, वो तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं। तो उसका वीडियो हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज़ में। और नए नए जो भगवान को भोग हैं वो हमें कैसे ऑफ़र करने हैं कम समय में, 56 भोग, मैं तो ये कहती हूँ कि आप ऐसे बनाइए कि 56 से ज़्यादा भोग आप ऑफ़र करें उस दिन। क्योंकि होता क्या है कि एक ही चीज़ में से जब हम 5-6 चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। छैना भी आप पहले ज़्यादा मात्रा में बना के रख लें, छैने से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब लगभग हमारी जो खीर है वो ठंडी हो गई है, और अब इसको हम सर्विंग बाउल में लेंगे, और सर्विंग बाउल में लेने के बाद में ऊपर से इसमें चॉप किए हुए बादाम ऐड करें और आपके काजू और पिस्ते। देखिए, ड्राई फ्रूट्स आपको जितना ऐड करना है आप उतना ऐड करिए, ये आपके ऊपर है। आपको कोई ड्राई फ्रूट खाने में अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और तुलसी दल रखें, और आपके पास में यदि गुलाब की पंखुड़ियाँ हों तो आप वो रख दें। और यहाँ मैंने वो पाउडर ऐड किया है जिससे मैंने बादाम पिस्ता और काजू का मिल्क बनाया था, वो पाउडर मैंने स्टोर करके रखा था, आपको बताया था, वो पाउडर इसमें अप्लाई कर दें। और ऊपर से डालें आप केसर के धागे, और देखिए ये हमारी छैना खीर तैयार हो गई है। और ये बंगाल में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। चावल की खीर से और सेवई की खीर से और खीरों की अपेक्षा ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और टेस्ट तो इसका एकदम से लाजवाब है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और इस जन्माष्टमी आप जगन्नाथ जी को, कृष्णा को अच्छे अच्छे भोग बना के ऑफर करें, और इतना तो बनता ही है हमारे लड्डू गोपाल के लिए प्यारे प्यारे। तो यहाँ पर अब हमारा जो खीर है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, और ये ठंडी ठंडी खीर ही अच्छी लगती है। और आती है भगवान को ऑफर करने की बारी, तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा दी है भगवान को जो मैं ऑफर करूँगी। और देखिए इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है और इसका टाइम भी ज़्यादा नहीं रहा है। आप भी पहले से ही नोट आउट कर लें कि आपको कौन कौन सी रेसिपी और कौन कौन सा सामान मार्केट से लेके आना है, बहुत ही ये इजी हो जाता है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए शुद्ध और सात्विक प्रसाद लें, चैंटिंग करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय।